ध्यान एवं मत पर होइया उपासना करें ताहारा आमार भक्त और अतिशय प्रिय हैं। काल हम जो गीता का श्लोक पढ़े सुनाया, उसका व्याख्या नहीं सुना, तो ये भक्त का तटस्थ लक्षण, तटस्थ लक्षण किसका कहा जाता है? एक भीतर का है, एक बाहर का है। तो तटस्थ तो ज्यादा बाहर का हो सकता है। ये भक्त सर्वभूतिर अदेष्टा मैत्र करुण ममता रही अहंकार शून्य परदुखी परसुख दुखी समबुद्धि क्षमाशील सतत संतुष्ट जतात्मा दृढ़ निश्चय भक्तिजोगी एवं अर्पित मनोबुद्धि इन आमार प्रिय। अदेष्टा और मैत्री सबका प्रतीक भाव है। करुण और किसी का प्रति ज्यादा ममता नहीं है। अहंकार शून्य, सुख दुख में कोई चिंता नहीं है। जब सुख आता है बड़ा आनंद होता है, जब दुख आता है बड़ा अहंकार होता है। ऐसा नहीं, सुख आता है जाता है, दुख आता है जाता है, उसमें क्या है। क्षमाशील और हर समय के लिए संतुष्ट रहता है। ये सबसे बड़ा मुश्किल का बात है, हर समय संतुष्ट रहना और पास करना पड़ता है। हर समय संतुष्ट जतात्मा और जत्नशील होना चाहिए ठाकुर को पाने के लिए, ठाकुर को भजन करने के लिए। जो भजन अंग है इच्छा करके करना है, ये जत्नशील। दृढ़ता होना चाहिए, दृढ़ निश्चय। इसको भक्ति योगी कहा जाता है। और मन बुद्धि भगवान में अर्पण करना चाहिए। जो इतना तक कर सकता है वो भगवान बोलता है वो मेरा प्रिय होता है। दूसरी बार बोल रहा है, जहां होते लोग उद्वेग पाए ना, जिनी लोग के उद्वेग दें ना। ऐसा चलना है, ऐसा बात बोलना है, किसी का हमारा लिए कष्ट ना हो, ना मन में ना शरीर में कोई प्रकार की। ऐसा चलने का उपवास करना चाहिए। और हर्ष क्रोध और भय उद्वेग ये चार जो छोड़ दिया, पंचा पंचा चीज भय क्रोध और उद्वेग। हर्ष मतलब आनंद, क्रोध मतलब क्रोध क्रोध गरम,
जल जाता है जिससे, अग्नि में हाथ लगने से जल जाता है ना, क्रोध जहाँ जाएगा वो जला देगा। तो इसलिए जो क्रोध छोड़ा है और आनंद छोड़ा है, आनंद में भी जलता है और क्रोध में भी जलता है, आनंद में जलता है जाना नहीं जाता है। ये जगत का जो जड़ा आनंद है ना, इससे जलता है पता नहीं चलता है, और क्रोध से जलता है थोड़ा पता चल जाता है। भय, जिसका तत्व ज्ञान नहीं है उसका भय होता है। भविष्य में हमको कौन देखेगा, जो मन में आ जाता है ना वो चिंता करता है, आपका तो ऐसा हाथ कोई किसी का देखता नहीं। तो हम यहाँ रहेगा तो हमारा भविष्य में कौन देखेगा, सही तो मर जाऊंगा, इससे हम अलग एक भजन कुछ कर लूँ और कुछ हमारा व्यवस्था कर लूँ तो अच्छे अच्छे रह सकते। इस उम्र में एक आदमी था वो झाड़ू लगाता था, क्या प्रभु है, चंद्रशेखर। इस उम्र में तो गिर गया था तो उसका पेट टूट गया, तो मठ वाला तो देखने वाला नहीं है, पैसा तो खर्च हो जाएगा। तो रामकृष्ण मिशन में भर्ती करने का व्यवस्था हो गया उसे, मठ का पैसा खर्च भी नहीं हुआ। और वृंदावन से आया कोई आकर रामकृष्ण मिशन में भर्ती कर दिया, फिर वो सुस्त हो गया। फिर जब उसका सबको तो मरना ही है एक दिन, फिर मरने का टाइम आया, उसका साथ तो साधु लोग था इस समय है। तो जो भगवान को सेवा करेगा भगवान उसको व्यवस्था कर देता है, जगह जगह कर देता है, तो उसको देखने वाला मिल जाता है। तो इसलिए भय, जब भगवान का प्रति भरोसा नहीं होता है तब भय उत्पत्ति होता है। कृष्ण तुम्हें राखे पाले जान सर्वकाल, आत्म निवेदन दईने रुचाओ जन्या। कृष्ण रक्षति न जगत्रय गुरु, कृष्ण मेरा रक्षा करने वाला है। ये विश्वास जिसको नहीं है उसका भय, और ये विश्वास पक्का जिसका है उसका कोई भय। भक्त नाटक लिख दिया, राखो बीमारो भी जो इच्छा तुहारा, नीतो दासो पोति तुआयो दिकारा। करोड़पति है तो ऐसा रोग हो गया तो नर्सिंग होम में भर्ती कर दिया, और वहां का डॉक्टर लोग बोल दिया दिन में आधा घंटा उसका रिश्तेदार लोग आकर भेंट कर सकते, और सारा दिन का कोई नहीं रहे तो क्या करेगा इसके बाद, हाँ वहां तो घुसना नहीं पाएगा, रुपया क्या होगा, कौन रुपया। तो इसलिए होरी जिसको रक्षा करेगा तो उसके लिए किसी का चिंतन करना नहीं पड़ेगा। और खुद हरि का प्रति जिसका विश्वास है उसका भय भी नहीं रहेगा। उद्वेग, उद्वेग मतलब अशांति, अशांति किसको होता है, जिसको मन बहु जाएगा में धावित होता है, बहु विषय में चल जाता है, बहु आदमी का पास जाता है,
जिसका मन कृष्ण में जाता है उसका उद्वेग है। तो भागवत में क्या बोला है, भाई कितना दिन तुम बचेगा, तुम्हारा तो मारने का टाइम आ गया, 40 पार हो जाता है तो मरने का लिस्ट में आ जाता है, तो उससे तो ज्यादा हो गया, तो और क्या चिंता है। अभी जितना टाइम मिले शबई मन कृष्ण पदार बिंदई, कृष्ण का पाद पद्म में मन लगाने के लिए अभ्यास करो, चेष्टा करो, और कुछ भी नहीं। आहार निद्रा भय इंद्रिय तर्पण हर जन्म में मिलता है, ये जन्म में मिला है, कर भी लिया है, फिर क्यों वो इंद्रिय तर्पण करने के लिए इधर उधर घूमेगा। अभी मन गोविंद चरण में लगाने का चेष्टा करो, नहीं तो बेकार हो जाएगा, तो उद्वेग चल जाएगा। जब किसी का मन गोविंद में लाग सकता, तो ये कृष्ण गीता में उपदेश करके गया, वही कृष्ण महाप्रभु रूप से आकर फिर सिखाता है वही चीज। ऐसा कोई कर सके तो वो हमारा प्रिय हो जाएगा। बोलो भगवान का प्रिय हो जाएगा तो उसका क्या काम रहेगा, कुछ काम रहेगा। तो सबसे वही प्रिय हो सकता है जो भगवान का कथा कीर्तन श्रवण करता है, ये हम हर दिन बोलते हैं। और कथा कीर्तन श्रवण छोड़ के खाने के लिए घूमने जाएगा, तो क्या है, नरम दशा है, क्यों आया मठ में सब अलादा भजन कुटिल करके रहेगा, खाना पीना करके, ऐसा वृत्त में बहुत है, ऐसा रहेगा। मठ में रहना तो कीर्तन और हरिकथा में जोग देगा, तब उसको उपकार होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। करोड़ जन्म ऐसा मठ में रह गए, ये हमारा नारायण गोस्वामी महाराज बोले, हरिकथा सुनना और कीर्तन करना ये तो जोग देना, और कुछ करो और नहीं करो, क्योंकि हर काम हर जगह में मिलता है, ये दोनों आश्रम में मिलता है, हर जगह में नहीं मिलता। तो चार चीज के लिए जो बोला है ये बड़ा धीर मन से सोचना चाहिए, कौन सा है फिर एक बार बोल देता हूँ। हर्ष क्रोध भय और उद्वेग, ये चार चीज छोड़ना चाहिए, तब भगवान का प्रिय हो जाए। इसका बाद फिर बोल रहा है, आमार जे भक्त अनापेक्षा शून्य अपेक्षा शून्य पवित्र पटु उदासीन व्यथा रहित सर्वारम्भ त्यागी हमार प्रिय है। मेरा प्रिय कौन हो सकता है, अपेक्षा शून्य, किसी का अपेक्षा ना करे, हमारा जो सेवा है वह हम करेगा बस, कोई हमारा हेल्प करे और ना करे। तो अपेक्षा शून्य होकर सेवा करना, पवित्र भाव से रहना, हर्ष और पटु, पटु मतलब हर काज अच्छे से सीखकर अच्छे से करने का अभ्यास करना, यह है पटु। उदासीन
कोई चीज का प्रति ज्यादा आसक्ति मत रखना ये जगत का। और बड़ा बड़ा कुछ करके लोग देखा ना, ये भी भगवान का प्रिय नहीं है, तो ये छोड़ना चाहिए। हाय लोग भजो नय गोरा भजो भाई, ये जगदानंद प्रभु ने लिखा। लोग संग्रह के लिए बड़ा बड़ा कुछ करके देखा कि लोग का प्रति आकर्षण और गोरा का भी आकर्षण करेगा, दो एक शक्ति जीव। नदी पार होने का समय दो नाव चल रहे हैं, तो एक नाव में एक पा, दूसरे नाव में एक पा लेकर नदी पार होना चेष्टा करा। नाव थोड़ी सा हर समय एक साथ चलेगा, वो तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर होगा, तब क्या होगा? तो बोले दो नाए नदी पारे अवस्था हो लेकर, तो लोग को हम संतुष्ट करेगा और भगवान भी संतुष्ट हो जाए हमारा पति। बोले दो नहीं होगा, एक ही होगा। इसलिए हमारा जो भजन करना है यहाँ रहा है सर्वरंग परित्याग, ऐसा कोई करे तो वो हमारा प्रिय है, ये कृष्ण भगवान बोला और महाप्रभु जी इसको स्थापन कर रहे हैं। हर्ष देश शोक आकांक्षा रही एवं शुभाशुभ फल त्यागी और भक्तिमान मेरा प्रिय होता है। क्या क्या चीज है? हर्ष शोक, देश और आकांक्षा, ये त्याग करना चाहिए। हर्ष त्याग करना, देश त्याग करना, शोक त्याग करना, आकांक्षा त्याग करना, शुभाशुभ जो कर्म दोनों त्याग करना, तो इतना करे तो हमारा प्रिय हो जाए। शत्रु मित्री वो मान अपमान में समबुद्धि, शीत ग्रीष्म में, सुख दुख में समबुद्धि, आसक्ति रहित, निंदा स्तुति के तुल्य बुद्धि, मौनी, जहाँते संतुष्ट, गृह रहित, स्थिरमती, भक्तिमान मेरा प्रिय है। इतना होना बड़ा कठिन है, लेकिन परिष्कार करके भगवान बोल रहे हैं मेरा प्रिय होने का चेष्टा करे तो ये होना चाहिए। शत्रु का पति और मित्र का पति समान होना चाहिए, थोड़ी होता है हम लोग का होता है, होगा भगवान का कृपा किसी का पति हो जाए तो हो जाए, चेष्टा करने से हो सकता। मान और अपमान दोनों में समान बुद्धि होना चाहिए। और शीत और गर्मी में, सुख और दुख में, सब जगह में समबुद्धि लिखा है। और हर चीज में आसक्ति रहित होगा। भले हमारा आसक्ति कहाँ है भाई, ज्यादा आसक्ति कहाँ रहता है हम लोग का, बोल सकता है? धन प्रति, धन धन प्रति ज्यादा आसक्ति शरीर में, धन में ज्यादा आसक्ति नहीं है। धन में जो आसक्ति है शरीर का कारण है,
मान लो हमारा कुछ रुपया है, एक घर में हम रात और कोई कारण में वो घर में आग लग गई, तो रुपया में तो आसक्ति है ही है, तो उड़ जाएगा, चल जाएगा। लेकिन हम वो घर में घुसने के पहले सोचेगा, भाई रुपया लेते गए हम खुद मर जाए तो रुपया जाए तो जाने खोल बांधना चाहिए। तो इसलिए सबसे ज्यादा आसक्ति कहाँ है, शरीर में है। तो आसक्ति रहित शरीर में आसक्ति करना चाहिए। इसलिए गाना कौन सा है, तुमार चरण लोइन शरण आमार नहे तो आम, ये है भक्तिनाथ ठाकुर ने सिखाया। हे प्रभु उनके चरण में हम शरण ले लिया, और ये जो शरीर है ये मेरा नहीं है, ये तो आपका है, आप दिया है और आपका ही। तो जब ये शरीर भगवान का हो जाए तो इसमें हमारा आसक्ति कम हो जाए, ये मेरा मेरा करता है तो इसलिए ज्यादा आसक्ति होता है। तो इसमें आसक्ति रहित होकर निंदा और स्तुति, कोई हमारा निंदा करे और कोई प्रशंसा करे, दोनों में चर्चा करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, निंदा करे तो डांडा मारेगा, हैं, प्रशंसा करे तो आहा तुम चिरसुखी हो जाओ, तुम भाग्यवती बन जाओ, तुम्हारा धन पुत्र लाभ, कितना आशीर्वाद करता है। अरे प्रेम भक्ति लाभ है, खुद प्रेम भक्ति नहीं है, हमारा आशीर्वाद से दूसरे का प्रेम भक्ति होगा तो आशीर्वाद तो दे देता है, अपना अधिकार देखता नहीं, आशीर्वाद देता है तो उसको कृष्ण भक्ति हो जाए। अरे भाई खुद कृष्ण भक्ति लाभ हुआ कि नहीं, देखो दूसरे का आशीर्वाद तब तो दो। तो यहाँ बोलते हैं स्तुति करे तो और निंदा करे, दोनों में हाथ जोड़, जो निंदा करे वाह अब अच्छा किया हमारे लिए, जो स्तुति करे अब भी अच्छा है, दोनों को अच्छा बोल के छोड़ दो। और प्रयोजन छाड़ा बात मत बोल, ये है मौनी, इतना बोलने के चलेगा उतना ही बोलना, उससे ज्यादा मत बोल, ज्यादा बोलने से है प्रशंसा आएगा नहीं निंदा है, दोनों में हमको डाउन करेगा, तो ज्यादा हमारा क्या दर करे, जितना प्रयोजन उतना ही। और हर समय जितना प्रकार जैसा हो जाए संतुष्ट रहना, और गृह रहित हमने लिए विशाल घर मत बनाओ, बनाने से क्या हुआ, मरने का समय चिंता आ जाए, भाई हम मर जाएगा हमारे घर कौन देखेगा, हम इतना कष्ट करके बनाया, एसी लगाया, ये किया वो किया, वो चिंता आएगा तो मरने का समय भगवान का चिंता नहीं आएगा, राजीव उनका भजन बेकार हो जाएगा। ताप कर नव कर जप कर मत जान ले है, ताप करे या जप करे मरने का समय गंडगोल हो जाए तो भरत महाराज हिरण बन गया, तो हम घर का चूहा बन जाएगा, जो अच्छा करके घर किया ना रहने के समय मर जाएगा तो क्या होगा, ऐसा कोई कर सके तो। और देखो इतना चिंता करने का क्या प्रयोजन है, ओहो पथे की जीर्ण कपड़ पड़िया थके ना, छिड़ा कपड़ा तो कितना लोग फेंक देता है, शोशान मोशान में बहुत छिड़ा ऐसा कपड़ा रहता है, बोले वो कपड़ थोड़ा धो के पहन लो, हमारा सनातन गोस्वामी में कौन सा कपड़ पड़ा था, इतना भगवान का प्रिय हुआ कैसा हुआ, एक ग्रामीण कम
बल था उसके पास, महाप्रभु ने ऐसे ऐसे देखते तो उसको दिमाग में आ गया महाप्रभु का चेहरा, तो वो कम्बल किसी को देकर छिड़ा कंथा लिया, तब महाप्रभु खुश हो गया, बोला हाँ। तो इसलिए यहाँ बोलते हैं कापड़ खरीद करके मत पड़ो, रोड में जो पड़ा हुआ है इधर उधर घूम के देखो जो लोग फेंक दिया वो कापड़ धो लो वही पड़ो। भिक्षु सकल की भिक्षा दान करे ना, नदी इत्यादि की सब शुष्क ही अच्छे, पानी के लिए चिंता, भले नदी का किनारे जाओ नदी से पानी ले जाओ वही। गुहा सकल की रुद्र ही अच्छे, भले रहने के लिए घर बड़ी करने के अंदर सोचा है तुम भजन करता है गुफा में रह जाओ। ईश्वर की उपसन्न व्यक्ति की पालन करें ना, और जो भगवान को भजन करेगा उसका भगवान देखेगा नहीं, भगवान का जो भजन करेगा उसको खुद अपना के लिए इतना चिंतन क्यों करना पड़ेगा, तो भगवान व्यवस्था करेगा। यदि ताहाई है तबे पंडित सकल धन दुर्मदान्ध व्यक्ति दिग के क्यों भजन करे। देखो एक धनी आदमी आ जाए तो जो बैरागी लोग साधु लोग उसका ज्यादा प्यार करें, क्यों पैसा, हाँ पैसा मिलेगा वो संतुष्ट हो जाए तो लाख रुपया दे सकता है करोड़ रुपया दे सकता है। तो यहाँ बोलते हैं धनी लोग दुर्मद अंध होते हैं, धन मत में सब अंध है, तो जो भगवान को भजन करेगा जो पंडित लोग वो धनी लोग का पीछे क्यों पड़ेगा, ये भजन का विरोधी है। मैंने मेरा गुरु जी का साथ जब सेवक था चलता है तो एक जगह गया ऐसा थोड़ा बारिश बारिश हवा है एक आकाश में, तो देखा एक धनी आदमी है वो भक्त है वैष्णव सेवा खूब करता है और लोग तो खाना बड़ा भंडारा भी करता है लेकिन शिष्य हुआ नहीं, भक्ति खूब करता है गुरु जी को, और एक गरीब लोग है वो शिष्य है लेकिन उसका घर में रहने का भी जगह नहीं, ता गुरु जी उसका घर में जाने के लिए ऐसा सारो खेत से छोटा से इतना चौड़ा होगा रोड है उसमें जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर, और धनी लोग तो उसका बड़ा रोड का ऊपर घर है और वहाँ ही हम लोग गाड़ी से उतारा। देखा गुरुजी वो शुरू रोड से चलने शुरू कर दे, हम लोग 6 आदमी हैं बचार पटनी। मैंने बोला गुरुजी गुरुजी कहाँ जा रहा है, बोले उसका घर है, बोले वो तो गरीब लोग है और ये रात में उसका घर में कहाँ रहेगा बारिश होता है, हाँ तो बारिश होगा तो सब पानी में भीग जाएगा, हम लोग पानी पड़ेगा तो हम तो इसके साथ हमारा गुरु जी का नहीं है, गुरु जी तक धनी का घर में जाना नहीं चाहता, हमारा गुरु जी बड़ा भजनशील और गरीब लोग का घर में खाना भी अच्छा दे नहीं सकता है जो हो, लेकिन उसका मोन है भागवत का श्लोक दिया है बोलता है पंडित गण, जो पंडित व्यक्ति होगा वो धन में जो लोग अंध हो गया वो लोग का पास क्यों जाएगा, जाना ठीक नहीं है। तो हरिवंशे कोई नित्य स्थिति।
इंद्र आशी कुर जब श्री कृष्ण स्तुति। गोलोक में भगवान नित्य विराज करता है, ये हरि वंश में है, वो भी सिखाया। मौसल लीला आर कृष्ण अंतर ध्यान केशव अवतार जदुवंश। अर्जुन से ये बाण में, हाँ, जब द्वारका डूब जाएगा समुद्र में, अर्जुन को कृष्ण बोल दिया, उस अर्जुन सब महिषी लोग को लेकर होस्ट में जा रहा है, और रोड में असुर लोग आकर दिलों पे घोन किया, वो लोग का असुर हरण कर सकता है। तो इसलिए यहाँ बोलता है असुर लोग वो कृष्ण का महिषी को देखने का ताकत नहीं है, हरण करना कहाँ से। तो इसलिए ये सब माया का है, जादू में बल बात सही है, वो काटता नहीं, वहाँ माया का खेल जगाता है। पीसी सरकार का बहुत नाम हुआ था, काट के फिर जोड़ देता है। निवेदन करे दंते तीन गुच्छ लैया, नीच जाति नीच सेवी मई सुपामर सिद्धांत शिखाइला से ब्रह्मार गोचर। बोले ये सब सिद्धांत तो ब्रह्मा भी मान, ब्रह्मा कौन बड़ा कहता है, वो हमारा बातचीत चराई करके लिया, हमारा शाखा लोग का चराई कर लिया, वो क्या जानेगा हमारा लीला। तो इसलिए सनातन गोस्वामी तो प्रभु का पार्षद है, उसको सिखाता है। बोले ब्रह्मा जो नहीं जानता है वो आप हमको बोलता है, ब्रह्मार अग्रसर है। तुम्हें जे कहिला यही सिद्धांत अमृत सिंधु मोर मन सुईते निहार एक बिंदु पंगु ना चाहते जदि मय तुम्हार मन कर देह मोर माते धरिया चरण। बोले जो ब्रह्मा शिव का लिए दुर्बोध है वो हमारा समझ में आएगा, इसलिए आपको तारे कृष्ण प्रेम धन सनातने प्रार्थनाते महाप्रभु आत्मा रामश्च।